वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड जीके पेज नंबर 19। स्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आवर पेज नंबर 18। आवर पेज नंबर 18 वॉज क्लीवर बीरबल एंड द फार्मर्स बेल। क्या था हमारा पेज नंबर 18? क्लीवर बीरबल एंड फार्मर्स बेल्स, चालाक बीरबल और किसान का कुआं। तो उस कहानी से आपने क्या सीखा? नेवर चीट अदर्स। उस कहानी से हमने सीखा हमें कभी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। चलिए एवरीवन ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। टेल मी व्हाई। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हैव ए शैडो। हमारी परछाई क्यों बनती है, हमारे परछाई क्यों होती है? आंसर, अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट एंड ब्लॉक्स इट। तो हमारी परछाई कब बनती है? जब प्रकाश के रास्ते में कोई ऐसी चीज आ जाती है कि प्रकाश के रास्ते को रोक देती है और प्रकाश आना वहीं से बंद हो जाता है, उस जगह पे क्या बन जाती है? परछाई। व्हेन आवर बॉडी ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम द सन और फ्रॉम सम अदर सोर्सेज, ए शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड और वॉल एक्सेट्रा। तो इस तरह से परछाई हमारी बन जाती है बल्ब के सामने, सूर्य के प्रकाश में जब हम खड़े हो जाते हैं तो जहाँ तक हमारी बॉडी रहती है वहाँ से प्रकाश का गुजरना बंद हो जाता है। तो सी और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तारे क्यों झिलमिलाते हैं, क्यों चमकते हैं? आंसर देखिए, स्टार्स डोंट रियली ट्विंकल। तारे जो है वास्तव में चमकते नहीं हैं। दे अपीयर टू अस एज ट्विंकलिंग ओनली बिकॉज वी सी देम थ्रू द थिक लेयर ऑफ एयर दैट फॉर्म आवर एटमोसफियर। ये हमको क्यों ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि हम तारों को कहाँ से देखते हैं? वी सी देम थ्रू द थिक लेयर ऑफ एयर, वायु की मोटी परत के द्वारा जो हमारे एटमोसफियर में है। वायु की मोटी, वायुमंडल की जो परत है उसके थ्रू होकर हम आसमान में देखते हैं। तो हमको क्या दिखता है? तारे चमकते हुए दिखते हैं। एज द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स पासेस थ्रू द एटमोसफियर इट बेंड एंड, तो जो प्रकाश आता है, एज लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स पासेस थ्रू द एटमोसफियर, जो प्रकाश हमारे एटमोसफियर से होकर आता है तारों से, इट बेंड एंड फ्लिकर्स गिविंग अस एन इम्प्रेशन एज इफ़ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो वही झुक जाता है, वही प्रकाश जो आता है उसी वजह से थ्रू द एटमोसफियर इट बेंड एंड फ्लिकर्स गिविंग अस एन इम्प्रेशन, उसी की वजह से हमको क्या लगता है कि तारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई कांट वी सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे। आपका अगला क्वेश्चन है, हम दिन में तारे क्यों नहीं देख पाते हैं? स्टार साइन इन द स्काई इवन ड्यूरिंग द डे बट वी कांट सी देम ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। तारे जो है दिन में भी आसमान में रहते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते हैं ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से हम तारों को नहीं देख पाते हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स इज वेरी वीक कंपेयर्ड टू द लाइट ऑफ द सन। जो तारों से प्रकाश आता है वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है, कम होता है, किसकी तुलना में? सूर्य के प्रकाश की तुलना में। सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है जिससे कि हमको तारों का प्रकाश नहीं दिख पाता है। द ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow the light from stars to reach our eyes and hence we cannot see them during the day. जो सूर्य का तेज प्रकाश आता है उसकी वजह से वह जो है तारों के प्रकाश को नहीं हमारी आंखों तक पहुंचने देता और हम तारों को नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does moon seem to follow us at night? हमें क्यों लगता है कि चंद्रमा हमको फॉलो करता है? हम जैसे जैसे चलते हैं हमको लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ साथ चल रहा है। आंसर क्या है? मून डज नॉट फॉलो अस। चंद्रमा हमको फॉलो नहीं करता, हमारे साथ साथ नहीं चलता है। इट अपीयर्स टू डू सो ओनली बिकॉज, हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। इट अपीयर्स टू डू सो ओनली बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। ऐसा प्रतीत क्यों होता है?
क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है. द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड मून इज सो मच दैट नो मैटर हाउ फार आर हाउ फास्ट वी मूव, मून अपीयर्स एट द सेम पोजिशन गिविंग एन इम्प्रेशन दैट इट इज ऑल्सो मूविंग विथ अस. जो चंद्रमा की दूरी हमसे है बहुत ज़्यादा है. द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड मून इज सो मच, हमारे और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है. दैट नो मैटर हाउ फार अस हाउ फास्ट वी मूव, तो हम कितना दूर हैं कितना तेज हैं तेज चल रहे हैं इससे उसको उस पर कोई असर नहीं पड़ता. मून अपीयर्स एट द सेम पोजिशन, चंद्रमा जो है अपनी सेम स्थिति पर सेम पोजिशन पर बने रहते हैं. गिविंग एन इम्प्रेशन दैट, और केवल हम पे उनका क्या होता है प्रभाव होता है जिससे कि हमको लगता है कि मून हमारे साथ साथ चल रहा है. इस पेज में बेटा क्वेश्चन आंसर है, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग थोड़ा सा छोटा करके ही लर्न करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर को छोटा करके लिखवा देंगे. तो आप इस पेज को कॉपी में न लिखिएगा, जब हम लिख के आपको भेजेंगे शॉर्ट नोट आपको लिख के भेजेंगे और क्वेश्चन आंसर, तब आप लोग लर्न करिएगा. ओके बाय, टेक केयर.